तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा LPT 3718 का, जो कि 37 टन ग्रॉस व्हीकल वेट के अंदर ये व्हीकल आता है। दोस्तों ये जो गाड़ी है 6750 mm और 6255 mm दो तरह के व्हील बेस के अंदर आती है। एक होता है आपका पुशर एक्सल और दूसरा होता है टैग एक्सल। 21.9 मीटर के अंदर ये गाड़ी टर्न हो जाती है और इस गाड़ी से आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 278 mm का मिलता है। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों 14 टायर का, मतलब ये जो गाड़ी है इसके अंदर आपको 14+1 टायर का सेट मिलता है, और जो कि 10R20 इंचेस के 16 प्लाई रेटिंग वाले रेडियल टायर होते हैं। और दूसरा इसके अंदर आपको दोस्तों ट्यूबलेस टायर का भी ऑप्शन मिल सकता है, जो कि 295/80R22.5 के टायर होते हैं। दोस्तों इसकी जो ओवरऑल लेंथ होती है 10,985 mm की होती है पुसर एक्सल के अंदर, और 10,807 mm की इसके अंदर लेंथ होती है टैग एक्सल ऑप्शन। इलेक्ट्रिकल और बैटरी की बात करें तो दो बैटरी मिलती है 12 वोल्ट की, 120 AH की, और अल्टरनेटर इसके अंदर आपको 90 एम्पियर्स का मिलता है। चलिए दोस्तों इसके इंजन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो है कमिंस का ISBE 5.9 CRDI SCR टेक्नोलॉजी वाला एक इंजन यूज किया जाता है, जो कि 5883 cc का इंजन होता है, 6 सिलेंडर इंजन होता है ये, और 177 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करता है 2500 RPM पर, और 700 न्यूटन मीटर इसे टॉर्क मिलता है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर क्लच का यूज किया गया है 380 mm डाया क्लच इसके अंदर यूज किया गया है, जो कि ऑर्गेनिक विद क्लच बूस्टर के साथ में इसका क्लच आता है। दोस्तों ये जो व्हीकल है 10x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आता है, जिसके अंदर आपको फ्रंट में फोर्स बीम रिवर्स एलियट टाइप का एक्सल मिलता है, और रियर में आपको जो है क्या नाम है जो एक्सल मिलता है RA110LD पुशर लिफ्ट एक्सल, और टैग लिफ्ट एक्सल इसके अंदर आपको ऑप्शनली मिल जाता है। अब दोस्तों इसके सस्पेंशन की अगर बात करें, इसमें तो आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रंट में मिलता है विद टेलीस्कोपिक शॉक एब्जर्वर के साथ में, और रियर में जो सस्पेंशन मिलता है वो आपको सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद बेल क्रैंक मैकेनिज्म के साथ में इसके अंदर आपको रियर में सस्पेंशन मिल जाता है। आपको जो डीजल टैंक मिलता है वो दो तरह के ऑप्शन में मिलता है, जैसे कि 300 लीटर मिलता है पुशर एक्सल के साथ में, और 365 लीटर का मिलता है टैग एक्सल के साथ में, इसके अंदर आपको डीजल टैंक मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी से आपको 20% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। दोस्तों इसके गियर बॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो गियर बॉक्स का यूज किया गया है वो 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर बॉक्स होता है, जो कि G950OD गियर बॉक्स होता है, जो कि टाटा के इस व्हीकल के अंदर यूज किया गया है। दोस्तों साथ ही मैं आपके इसके स्टेयरिंग के बारे में आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको जो स्टेयरिंग मिलता है वो पावर स्टेयरिंग मिलता है टिल्ट विद टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में ये स्टेयरिंग आता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस डिजिटली रूप से शो हो जाती हैं। साथ ही आपको दोस्तों इसके अंदर एयर ब्रेक विद ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिलते हैं, और पार्किंग ब्रेक जो मिलते हैं वो ग्रेजुएटेड वाल कंट्रोल्ड इसके अंदर आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं, और आपको इसके अंदर एग्जॉस्ट ब्रेक और ABS फैसिलिटी भी मिलती है, सीट बेल्ट वगैरह भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। अभी हम चेसिस CBC का रिव्यू कर रहे हैं, तो बाकी तो कुछ इसके अंदर नहीं है, एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, चेसिस मिल रहा है, और केबिन हाफ मिल रहा है इसके अंदर। आप अपनी बॉडी को जब बिल्टअप करवाएंगे तो बाकी आपको ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलने के प्रोविज़न होते हैं। दोस्तों अगर हम इसके बाकी फीचर्स में बात करें तो ड्राइविंग सीट जो है 6-वे एडजस्टेबल करने का ऑप्शन मिलता है, और एयर कंडीशन भी इसके अंदर आपको ऑप्शनली मिल जाता है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर आपको एक ब्लोअर का पॉइंट दिया गया है, जो कि आप अपनी बॉडी बिल्टअप करवाते हैं तो उसके अनुसार आप इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर प्राइसेस की बात करें तो ये जो व्हीकल है आपको लगभग 31.5 लाख से एक शोरूम इसकी प्राइसिंग स्टार्ट है, और वारंटी के बारे में दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि इस व्हीकल के ऊपर आपको 6 साल 6 लाख किलोमीटर वारंटी मिलती है ड्राइव लाइन के ऊपर, और 3 साल या 3 लाख किलोमीटर की जो वारंटी मिलती है वो व्हीकल के ऊपर मिल जाती है। सर्विस इंटरवल इस व्हीकल का 80,000 किलोमीटर के ऊपर रखा गया है, और काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल है। इसके माइलेज के बारे में अगर बात तो लगभग 2 से 3 किलोमीटर पर लीटर का इसका माइलेज निकल के आ सकता है। दूसरा दोस्तों माइलेज थोड़ा डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर भी और पेलोड कंडीशंस के ऊपर भी। तो दोस्तों इस तरह का ये छोटा सा रिव्यू लेके आया मैं आज आपके लिए टाटा LPT 3718 का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करेगा आगे फ्यूचर में अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए नए नए व्हीकल्स का। तो दोस्तों आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।